नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसटी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। जस्ट अभी 7 बज रहे हैं, मैं ऑफिस से आया हूं अभी। आज है 2 सितंबर और आते ही मेरा पहला जो काम होता है वो यही होता है कि कपड़े वगैरह चेंज करके और मैं सीधा अपने फिश रूम में ही आता हूं। तो ये फिश हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसको मैंने हॉस्पिटल टैंक में निकाल के रखा हुआ था। इसको 2 फिश निकाली थी, एक की तो डेथ हो गई बट एक जो है वो अभी भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ओके हो रही है। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, इधर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको वाइटेस्ट सा नज़र आएगा। तो वैसे वो एक्टिव है फिश, फीड वगैरह ले रही है। और इधर देखिए क्या झुरमुट लगा हुआ है, अब फीड डालने का टाइम है तो झुरमुट लगा है। और ये देखिए क्या किया है इन्होंने, मतलब आते ही इनको बस एक ही काम होता है कि हाँ अब ये देखिए ये गिराती रहती हैं। और ये पैरट्स का काम है जो आपको पीछे वहाँ पे देखिए ये गड्ढा सा बन गया है, नज़र आ रहा है, तो ये पैरट का काम है। तो ये टैंक भी ऑलमोस्ट ओके ही है। मेरा रूटीन है ये, आके मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। इसमें देखिए इसमें फिशेस तो सब ओके हैं बट अगर ऊपर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पानी में हलचल जो है वो बहुत कम है, बहुत कम, राइट। तो फिल्टर जो है वो इसका मतलब साफ़ करने वाला हो गया है, तो इसका फिल्टर साफ़ करना पड़ेगा। इधर देखते हैं गोल्ड, देखिए ये सारी की सारी गोल्ड फिश जो है वो आराम से बड़े मज़े से ऊपर आ गई है। यहाँ देखें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सब फिशेस ओके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इस टैंक में देखते हैं, इस टैंक में भी सब कुछ ओके ही लग रहा है, सारी फिशेस जो हैं वो ठीक ही चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। अब बचा एक टैंक, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ओहो देखिए इसमें ये क्या हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि मेरे पास टोटल 5 एंजल्स थी जो वाइट एंजल्स थी बट अब जो मुझे नज़र आ रही हैं वो अगर मैं दिखाऊं आपको, जस्ट ए मिनट, कुछ क्राइसिस हुआ है यहाँ पे शायद। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक, और इवन के जो मेरी पहले की एंजल्स टिकी हुई एंजल्स थी ये उनको भी कुछ हुआ है, क्या दिक्कत आई है कुछ समझ नहीं लगी क्या के प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए 2, ये वो एस्पेक्ट है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए अब इसको आप, ये ऐसी चीज है जिसको अवॉइड भी नहीं कर सकते आप। ये देखिए के अलावा अब मुझे एंजल जो है वो 3 नज़र आ रही हैं जबकि वो 5 थीं, एक एंजल और होनी चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और एक एंजल यहाँ भी मुझे मरी हुई नज़र लग रही है, आ रही है। ये देखिए कुछ ना कुछ तो क्राइसिस हुआ है, देखिए समझ नहीं लगी कुछ कि आखिर दिक्कत हुई क्या है। इसके पीछे भी देख लूं एक बार, ये देखिए
मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। पानी में कुछ गिरा है या ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये देखिए, ये मैंने बोला ना कि एक एंजल और होनी चाहिए। ये देखिए, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत क्या है। अब इमीडिएटली मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइसिस क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आया। आप देख सकते हैं ये दो डायमंड एंजल्स थी, ये मार्बल एंजल्स थी, और ये एक ड्वार्फ ग्रामी है। अब ये क्या हुआ है कुछ समझ नहीं लग रही है, पता कुछ लग नहीं रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है। हालांकि पिछले हफ्ते मैंने पानी चेंज किया था, इस हफ्ते कल मैं पानी नहीं चेंज कर पाया क्योंकि कल बेटे का जन्मदिन था, हम लोग उसी में बिजी रहे। तो मे भी शायद उसकी वजह से ही कुछ गड़बड़ हुई है या क्या इशू हुआ है, कुछ बोलना बहुत मुश्किल हो गया ये। तो अब मैं इसका हाफ पानी चेंज करूँगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब लोग मुझसे कई ये भी पूछते हैं कि आप इन मछलियों का क्या करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सा एक मैं काम करता हूँ। कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं उसको। बट मैं क्या करता हूँ कि हमारे घर में ऊपर बिल्लियाँ आती हैं, तो मैं इनको ऊपर छत पे रख देता हूँ, वहाँ पे बिल्लियाँ इनको खा जाती हैं। तो चलो, मरने के बाद भी किसी का पेट ही भर रहा है, मैं तो यही सोचता हूँ कि वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, स्नेल जो है वो 10 पीस आए थे, उसमें से एक ही स्नेल बचा है, वही चल रहा है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट डेड ही हो गए। ये देखिए, ये खाली हो गए सारे। तो अभी फ़िलहाल हम इनको ऊपर छत पे रख देते हैं ताकि जो बिल्ली है वो रात को आके इनको खा लेगी। चलिए चलते हैं इसको लेके। ये मैं यहीं पे रख रहा हूँ इनको, तो ये अपने आप यहाँ पे इनको खा जाएगी। चलते हैं बैक अपने फिश रूम में। अब क्राइसिस क्या है मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि आखिर ये ऐसी क्यों नौबत आई, क्यों इस तरह की कैजुअलिटीज़ हुई इतनी। क्योंकि अगर सफोकेशन वगैरह हुई हो तब भी बात समझ में आती है। हाँ, बीच में लाइट चली गई हो, उस दौरान अगर सफोकेशन हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता, बट अभी तक तो ऐसा कुछ केस लग नहीं रहा। तो फ़िलहाल तो मैं पानी ही चेंज करूँगा इनका 50%, और तो कोई हल नहीं है। और वो जो पानी निकालूँगा वो मैं देखिए यहीं पे इनको पानी मुझे देना है, तो इसी में मैं यूज़ कर लूँगा उसको। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, और उसके बाद फिर मैं इनकी फीडिंग वगैरह करूँगा जो भी करनी है। चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।